मौत या लापता, मालिक मौन, जिम्मेदार कौन? कल भी हमने पूछा था, आज भी पूछेंगे, कहां गए वो आठ लोग? किसके थे वो चीथड़े? कौन थे वो लोग जो धमाके में मर गए, या यूं कहें जिंदा जल गए? चीथड़े उड़ गए, तीन दिन हो गए, अब तक लापता है, कौन तलाशेगा? कौन बताएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या गरीब की मौत इतनी सस्ती हो गई है कि जिम्मेदार जवाब भी नहीं देंगे? जवाब देना होगा, हां हां आपको जवाब देना होगा साहब। महिलाओं के मांग की सिंदूर का सवाल है, अनाथ हो रहे बच्चों के भविष्य का सवाल है, बूढ़े मां बाप की जिम्मेदारी का सवाल है, बहुत से सवाल है, आखिर कौन इनके जवाब देगा? उन्हीं सवालों के जवाब तलाश रहे हैं हम। वो लोग लापता हैं, वो हमारे भी हैं, उन्हें हम विस्तार न्यूज परिवार का हिस्सा मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, आपका अपना न्यूज चैनल है। जितना दर्द उन परिवारों को है, उतना ही दर्द विस्तार न्यूज को भी है, यहां के हर सदस्य को है। इसलिए हम मांगेंगे जवाब। आज हम कुछ ऐसे सबूत आपको दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आपके जहन में ये भी सवाल आएंगे कि क्या मौत की फैक्ट्री पर मेहरबानी की जा रही है? हमारे साथियों ने विपरीत परिस्थितियों में यह पड़ताल आप तक पहुंचाई है। कल भी हमने आपको ए टू जेड सब कुछ दिखाया था। ये पड़ताल आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि आपसे सच छुपाया ना जा सके, हर सच आपके सामने आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये पूरी पड़ताल और बेमेतरा फैक्ट्री, जहां बारूद के ढेर में आठ लोगों का अभी तक पता रहता नहीं है, पता रहता लगाने की कोशिश करते हैं और सिस्टम से वो हर सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं जिसके लिए वो भाग रहा है। तो देखा आपने हाल, हाल बेहाल है। शुरू में जो आप देख रहे हैं, लगातार आप सुन रहे हैं, इस विस्फोट के बाद जो ये हाल है वो बेहाल नजर आ रहा है। कंपनी प्रबंधन पर हजारों सवाल हैं और इन सवालों के जवाब के नाम पर एक आदमी या फिर कंपनी में काम करने वाले मजदूरों को सिर्फ और सिर्फ जिल्लत मिलती है। रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आपको आगे बात करेंगे। विस्तार न्यूज, आपका अपना चैनल, हर कदम आपके साथ, हर विपत्ति में आपके पास, और कान बंद कर सोने वालों तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। तो आपने कंपनी को बोला कि नहीं प्रशासन की तरफ से कि नौ लोगों की मृत्यु यह बारूद में? इस चीज को हम आपको इस बात में अवगत कराएंगे। आप चिंता ना करें, वो सुनेंगे, उन्हें सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। हम एक एक कर आंसू का हिसाब लेंगे और हर सवाल का जवाब लेंगे। मेरे भाई पुष्पराज देवदास, रामकिशन ध्रुव, भीष्म साहू, नीरज ध्रुव, नरहर यदु, विजय गंधर्व, शंकर यादव और लोकनाथ यादव आज भी प्रशासन की नजरों से लापता है। बोरसी की बारूद फैक्ट्री ने जो दर्द दिया, हम उसे कम तो नहीं कर सकते, लेकिन आप सभी दर्शकों के साथ बात जरूर सकते हैं। आप महसूस कीजिए, सोचिए कितना बारूद इनके सीने में धधक रहा होगा, क्योंकि ये वो है जिन्हें अपनों के चिथड़े तक नसीब नहीं हुए। ब्लास्ट के तीन दिन बाद भी मलबे के पास आज भी लोग थोड़ी उम्मीद लेकर पहुंचते हैं कि बारूद ब्लास्ट के चिथड़े में शायद अपनों की कोई तो निशानी मिल जाए। लेकिन सोचिए, इनमें वो लोग भी हैं जो आज पूरी उम्मीदें खो चुके हैं, लापता परिजन का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। सोचिए, बिना शव के अंतिम संस्कार और बिना शव के शोक संदेश। सोचिए अपनों को अपने के लिए कितने दर्द और पीड़ा से गुजरना पड़ा होगा। कई घरों की महिलाएं दौड़ दौड़ कर मलबे के पास जाती है और चीख कर बेहोश हो जाती है।
लेकिन शासन और प्रशासन के पास इनके घावों पर मुआवजे के मरहम के सिवाय और कुछ नहीं, इनके सवालों का जवाब तक नहीं। यही पीड़ा, यही दर्द हम आपसे साझा कर रहे हैं। आज का क्या हमारे दो जी रोते रोते बेटा आ जाती। आपको सतर्क कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।